हम सरबराह पाक अफवाज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने उस साजा के मसाइल हल करने के लिए आसानी पैदा की। मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड इतिहाद ग्रुप पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसफ वोहरा ने कहा कि हमारी आवाज़ पर मशीर वजीर आजम मलिक अहमद खान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद सरकारी मुलाजमीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 35% तनख्वाह में इजाफा और पेंशन 17.5% मुतालबात मान लिए गए। ताची ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं और हम वजीर आजम पाकिस्तान सरबराह पाक अफवाज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्हें उस्तादा के मसाइल के लिए आसानी पैदा की। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर महमूद यूसफ, सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला नवाज वोहरा, नायब सदर मोहम्मद आसिम खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना मोहम्मद आपिद और एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाक के बराबर ही होना चाहिए, जबकि लीव एनकेशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन भी मंसूख करना होगा। मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम किया गया है, जिस पर हम सरबराह पाक अफवाज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मशीर वजीर आजम मलिक अहमद खान और हुकूमत पंजाब के तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।